और अगली खबर है गुजरात के एटीएस की। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हत्थे एक ऐसा आरोपी चढ़ा है कि जिसे पुलिस सीरियल किलर के तौर पर देख रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने टीवी पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर अब तक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नकाबपोश इस आरोपी को अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस आरोपी का नाम है मनीष। गुजरात पुलिस के एटीएस द्वारा की गई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि अब तक इस सीरियल किलर ने 3-3 लोगों को मौत के घाट उतारा, सिर्फ और सिर्फ टीवी पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने के बाद। किसी की भी हत्या करने से पहले बताया जाता है कि आरोपी मनीष माली अच्छी तरह से रैकी करके उसकी पूरी जानकारी बटोर लेता। यही नहीं, मनीष माली पर आरोप है कि उसने पिछले 3 महीनों के भीतर 3 लोगों की हत्या कर दी। पूछताछ में उसने ये बताया है कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों की हत्याएं करता है। बताया जा रहा है कि सीरियल किलर शहर भर में घूम घूम कर रैकी करके अपना टारगेट तय करता था। आरोपी की पहचान राजस्थान के निवासी मनीष माली के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसने अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी में 3 लोगों को गोली मार दी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पहले भी चोरी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गुजरात एटीएस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बीपी रोजिया ने कहा कि 2017 में उसने एक बंदूक चुराई थी, जिसके बाद 3-3 लोगों की हत्याओं में उस बंदूक का उसने इस्तेमाल किया और यूट्यूब पर देखने के बाद उसने बंदूक चलाना सीखा। ये भी अजीबोगरीब वाकया है। गुजरात के गांधीनगर में 3-3 लोगों की हत्या करने के बाद इसके हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में गांधीनगर के त्रिमंदिर में इसे देखा, इससे पहले कि ये भूमिगत हो पाता कि पुलिस ने इसे मौके पर जाकर धर दबोचा। गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में 14/10/2018, 9/12/2018 और 26/1/2019 को 3 फायरिंग करके हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें 14/10/2018 को एक जयराम भाई रबारी को दंताली गांव है अडालज पुलिस स्टेशन के अधीन वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास सर पे गोली मार के उसकी हत्या की गई थी, जिसमें 70,000 रुपये की कान में से उसके बाली निकाल के लूट की गई थी। उसके बाद 9/12/2018 को कोबा सर्कल के पास केशव भाई पटेल को भी सर पे गोली मार के हत्या की गई थी। उसके बाद 26/1/2019 को शेरथा से टिटोडा जाने वाले रोड पे झूठाजी ठाकुर को सर पे गोली मार के उसकी हत्या की थी, जिसमें 2,75,000 के ऑर्नामेंट्स की चोरी हुई लूट हुई थी। इन तीनों बनाव की तपास में प्राथमिक प्रश्न में एक ही वेपन से गांधीनगर के इन्वेस्टिगेशन में एक ही वेपन से होने की एफएसएल से अभिप्राय मिलने के बाद डीजीपी सर के आदेश के अनुसार एटीएस गुजरात को भी इस काम में लगाया गया था, जिसमें तीसरे मर्डर झूठाजी ठाकुर वाले मर्डर में त्रिमंदिर के पास एक सीसीटीवी फुटेज पाया गया था, जिसमें एक सस्पेक्ट आदमी मिल गया था, जिसके टेक्निकल एनालिसिस और सर्वेलेंस के बाद और गुजरात एटीएस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित भी किया गया था और सोशल मीडिया से भी लोगों को इस तीनों इंसिडेंट्स के बारे में अवगत किया गया था, जिसमें एक आदमी को मदन उर्फे मोनिश भवरलाल नाई उर्फे नायक को मालिक को कल रात को एटीएस ने सरखेज एरिया में से